Actor Ankita Lokhande opens up about her portrayal of Yamunabai in the upcoming film Swatantra Veer Savarkar, asserting that the character epitomizes the resilience and support inherent in every Indian woman. She commends Randeep Hooda's dual role as actor and director, expressing her comfort and admiration for his comprehensive understanding of the story and characters. The film is set to release on March 22nd. कैरेक्टर ऐसा है कि जो शायद हर भारतीय नारी को दर्शाता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिन्होंने अपने हस्बैंड का बहुत साथ दिया हर चीज़ में, जहाँ पर उन जो जब वहाँ नहीं भी थे फिज़िकली प्रेजेंट, उनके हस्बैंड जब कहीं काला पानी में थे और उसके बाद भी वो यहाँ पर हर चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही थी। और वो एक्चुअली यमुनाभाई एक ऐसा किरदार है जो दर्शाती है कि हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है जब उसके परिवार पे कोई चीज़ आती है। तो दैट्स माय कैरेक्टर। आपने बहुत सारे रोल पहले भी किए ग्लैमरस रोल करने में, जब इस तरह का इतिहास को टच करने वाला कैरेक्टर, क्या सीखने मिलता है आपको पूरा हिस्ट्री सावरकर जी के बारे में, पहले क्या जानते थे और अब कितना? आई थिंक जब आप कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म करते हो तो आप ऑफकोर्स, मैंने हमेशा वीर सावरकर जी की बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन इतना डिटेल में कभी पता नहीं था, स्पेशली यमुनाबाई के बारे में मैंने कभी इतना डिटेल में उनको जानती नहीं थी। लेकिन जब आप ऐसे किरदार करते हो, आप उनकी पूरी जर्नी समझते हो कि वो कैसी रही हैं, कैसा उनका किरदार रहा है, आज कितने सारे सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं, आज अगर हम भारत देश में आज़ादी से घूम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक महत्वपूर्ण उसका एक हिस्सा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और यमुनाबाई एक ऐसा किरदार रही हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए विदाउट इवन सेइंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं कि वो एक अनसंग हीरो थी हमारे भारत के लिए। आज अपने शायद उनके हस्बैंड जो थे वो एक बैटल लड़ रहे थे काला पानी की सज़ा में, और एक वो थी जो बाहर रहकर अपने परिवार के लिए एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट, एक जिम्मेदारी की तरह उस चीज़ को निभा रही थी। हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, बहुत यंग बेटा उनका चला जाता है, और वीर सावरकर को ये बात पता भी नहीं होती है, और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को फाइट किया अकेले, हैट्स ऑफ टू हर। क्योंकि आजकल की जनरेशन हम शायद ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज हम रिश्ते भी हमारे 2-3 महीने अगर हम किसी के टच में नहीं, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो इतने सालों तक उस चीज़ को रखना, कमिटेड रखना, उस चीज़ को लॉयल्टी से निभाना, अपने परिवार के लिए खड़े होना, वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके बाद भी उन्होंने हमेशा उस चीज़ को, सावरकर जी को साथ देना हर चीज़ में, जिस तरीके से पेट्रियाटिज़म उनके अंदर था, शायद वीर सावरकर में तो वो चीज़ थी ही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यमुनाबाई के अंदर भी थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे किरदार प्ले करते हो, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक ऐसे फिल्म का हिस्सा हो जो बहुत बड़ी है। तो इट फील्स ग्रेट।